السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. दफाए सुन्नत इस ज़िम्न में आज के इस चौथे दिन के दर्स में सुन्नत नबवी की फजीलत क्या है किताब व सुन्नत की रोशनी में, इसको इंशाल्लाह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीज़ को 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल। और नुज़ूल का मकसद क्या था? नुज़ूल का मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अहकाम को वाज़ह करके लोगों को बताएं। और कुरान अज़ीज़ के नुज़ूल का एक मकसद ये है कि ये कुरान किताबे हिदायत है। ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए इसके ताल्लुक से किताबुल्लाह हमारी रहनुमाई करती है। और साथ साथ में तीसरा मकसद और तीसरा फ़ायदा कुरान के नुज़ूल का यह है कि कुरान का नुज़ूल यह हमारे लिए रहमत का ज़रिया है। कुरान के ऊपर अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमको हासिल होंगी। अल्लाह फरमाते हैं वमा अनज़लना अलैकल किताब, कि ऐ नबी, हमने इस किताब को आपके ऊपर इसलिए नाजिल फरमाया है लितुबय्यना लहुमुल लज़ी इख्तलफू फीह, कि वो लोग जो अहकाम शरीयत में इख्तलाफ करते हैं, अहकाम शरीयत में, शरई अहकाम में, अकायद में जो लोग इख्तलाफ किए हुए हैं, आप उनके सामने वाज़ह कर दीजिए। हर चीज़ को वाज़ह कर दीजिए जिसमें इख्तलाफ है। मसलन कुरान नाजिल हुआ तो इख्तलाफ कैसा था? कुछ लोग बुत को पूजा करते थे, कुछ लोग आग की परस्तिश करते थे, कुछ लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते थे, कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते, कुछ लोग सालेहीन का मुजस्मा बना करके और वो सारी इबादतें जो अल्लाह के लिए होनी चाहिए वो उनके लिए करते थे। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उसी को इबादत समझ रखा था और उसी को तौहीद समझ रहे थे। तो कुरान के नुज़ूल का मकसद ये हुआ कि उनके अकायद में जो खराबी है आप उसको खोल खोल करके बयान कर दीजिए। तो कुरान का एक मकसद ये है कि एक तो शरई अहकाम की वजाहत, और दूसरे जो बिगड़े हुए अकायद जिस पर लोग हैं उनके अकायद की इस्लाह हो जाए इसके ज़रिए से। और साथ साथ में अल्लाह फरमाते हैं वहुदन व रहमतन लिकौमी युमिनून, और इसी तरह से ईमानदारों के लिए ये हिदायत का ज़रिया है और मोमिनीन के लिए रहमत का ज़रिया है। ईमानदार मोमिनीन के लिए हिदायत का सबब है कुरान, और इसी तरह से जो है रहमत का सबब है। तो कुरान के नुज़ूल का मकसद हो गया। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, कहते हैं कि कुरान अज़ीज़ को इस्लामी शरीयत और अहकामी शरीयत की वजाहत के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया था। और ख़ास तौर से कुरान अज़ीज़ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वअनज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यना लिन्नासि मा नुज़िला इलैह। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया। कुरान करीम को यहाँ ज़िक्र से ताबीर किया गया कि हमने ये ज़िक्र नाजिल किया है। क्यों नाजिल किया है? ताकि जो शरीयत आपको दी जा रही है उस शरीयत को खोल खोल करके आप बयान कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया गया, ये आयत ये बतला रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की वजाहत करने के लिए भेजे गए थे कि कुरान को कैसे समझा जाए, उसके ऊपर अमल कैसे किया जाए, ये कौन बताएंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے وحی کی وضاحت کرنے والا بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وحی کی وضاحت کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ کا بیان اور کتاب اللہ کی وضاحت کس سے ہوگی؟ سنت سے ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ کی تقریر کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو تفسیر فرمائیں گے وہی تو سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ چیزیں جو قرآن سے متعلق ہیں وہی سنت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سنت کا مقام شریعت میں یہ ہے کہ سنت جو ہے سنت یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی توضیح ہے. تو اس سے اہمیت واضح ہو گئی سنت کی. اسی طرح سے جیسے قرآن وحی ہے ویسی سنت بھی کیا ہے؟ وحی ہے. احادیث یہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے. اس لیے اب اس میں بعض اہل علم نے دو قسمیں کی، وحی متلو اور وحی غیر متلو. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے کہ قرآن، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کا حکم دیا گیا، سمجھو نہ سمجھو پھر بھی اس کے اوپر اجر ملے گا، تو یہ وحی متلو ہے. اور سنت یہ بھی وحی ہے لیکن وحی غیر متلو، اس کی تلاوت لازم نہیں ہے لیکن ضروری ضرور ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ اسلام کی تعبیر، صحیح تعبیر اگر پتہ چل سکتی ہے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں سے. تو سنت کیا ہے؟ یہ وحی ہے. وحی اس لیے ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وضاحت کرنے والے بتائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کی وضاحت کریں گے، قرآن کی تفسیر کریں گے، اور اسلام اور جو ہے شریعت کے احکام کو بتائیں گے، عقائد بتائیں گے، کیسے؟ قرآن کے ذریعے سے. تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے نہیں ہوگی، اپنی بات نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے باتیں کر دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے خواہش سے کچھ نہیں بولتے. جو کچھ بولتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوا کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریر کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. تو سنت بھی کیا ہے؟ وحی ہے. سنت بھی وحی ہے، وحی کی ایک شکل ہے یہ بھی سنت بھی. اور اسی لیے حسان بن عطیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کو لے کر کے نازل ہوتے تھے. سنت کو لے کر کے نازل ہوتے تھے، یعنی مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کے اوپر قرآن اترتا تھا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول نہیں ہوتا. وحی کا نزول جب تک نہیں ہوتا تھا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تھے. تو اسی لیے حسان بن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت بھی احادیث بھی حضرت جبریل امین لے کر کے اترتے تھے اللہ کے نبی علیہ وسلم پر، جیسا کہ قرآن لے کر کے اترا کرتے تھے. اور حضرت جبریل امین سنت بھی ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے جیسے ہی کہ قرآن سکھاتے. تو سنت کا مقام شریعت میں یہ ہے کہ سنت وحی ہے. تو جیسے قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی احادیث کا انکار اس کو ظنی کہہ کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی وحی ہے اور منزل من اللہ ہے. اسی طرح سے امام عراقی رحمہ اللہ جو تقریباً 9ویں صدی کے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنت کو صفت نزول سے تعبیر کرنا، کہ سنت بھی جیسے قرآن نازل ہوتا ہے ویسے سنت بھی نازل ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ سنت کو صفت نزول سے تعبیر کرنا صحیح ہے،
इसलिए कि कुरान की तरह से उसका भी नुज़ूल होता था, जैसे कुरान का नुज़ूल होता था वैसे ही जो है इसका भी नुज़ूल होता था। और बहुत सारी अहादीस इस ताल्लुक़ से मौजूद है। सही बुखारी के अंदर एक साहब आए जो अपना उनका जो कपड़ा था जो एहराम पहने थे हज के लिए उमरे के लिए आए हुए थे, तो जो कपड़ा पहने हुए थे वो पूरे कपड़े में जो उन्होंने खुशबू लगा के रखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसमें हम उमरा कर सकते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे यहाँ तक कि अल्लाह के जानिब से वही नाजिल हुई। फिर अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनको कहा कि नहीं, आप इस कपड़े को धुल लीजिए, जब खुशबू इसकी ख़त्म हो जाए उसके बाद जो है आप फिर जो है इस कपड़े में उमरा कीजिए। ये बहुत ही मारूफ हदीस है। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अला सुन लो इन्नी उतीतुल किताबा व मिसलहु मअहु, सुन लो कि जैसे मुझे कुरान अजीज दिया गया है ऐसे ही कुरान अजीज के मिसल एक और चीज हमको दी गई है, वो क्या है? सुन्नत। तो इन तमाम बातों से पता चलता है कि सुन्नत भी क्या है? वही की एक किस्म है। और जैसे कुरान नाजिल होता था वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के जरिए से अहादीस भी नाजिल होती थी, अहादीस भी उतरती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, अला यूशिकु रजुलुन शबअनु अला अरीकतिही, और याद रखो एक दौर ऐसा आएगा या करीब है कि एक शख्स जो है वो अपने गाँव तकिए के ऊपर टेक लगा करके बैठा होगा, यकूलु अलैकुम बिहादल कुरान, और वो कहेगा कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ कुरान पे अमल करना लाजिम है, तुम्हारे ऊपर सिर्फ कुरान के ऊपर अमल करना लाजिम है। कहते हैं एक दौर ऐसा आएगा। तो आज बाकायदा एक तबका, एक गिरोह ऐसा है जो अपने आप को अहले कुरान से ताबीर करता है कि हम क्या हैं? कुरान वाले, अहले कुरान से ताबीर करता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि एक शख्स जो है वो बैठ करके कहेगा कि अलैकुम बिहादल कुरान, तुम्हारे ऊपर कुरान के ऊपर अमल करना लाजिम है, फमा वजद तुम फी है मिन हलाल फहिल्लूहु, तो कुरान में जो चीज़ तुम्हें हलाल मिले उसको हलाल समझो, वमा वजद तुम फी है मिन हराम फहर्रिमूहु, और जो कुरान में तुम्हें हराम, कुरान ने जिस चीज़ को हराम किया है उसी को हराम समझो, अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमारिल अहली। फिर अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि देखो सुन लो तुम्हारे लिए पालतू गधे का गोश्त दुरुस्त नहीं है, वो कुल्लु ज़ी नाबिम मिनस सबई, और किचली वाला दरिंदा ये भी तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है, वला लुख्ततु मुआहिदिन, और किसी जिम्मी की गिरी पड़ी चीज भी तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है कि उसको उठाओ, इल्ला ये कि मालक को उसकी जरूरत ना हो। ये जुमला अल्लाह के नबी वसल्लम तीन बातें बयान फरमाई, पालतू गधे का गोश्त जायज़ नहीं है, केचुली से शिकार करने वाला जो दरिंदा है वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, लुकता कोई चीज़ गिर पड़ जाए वो तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है कि उसको तुम उठाओ और उसको इस्तेमाल करो। अब ये कुरान में कहाँ है? ये चीज़ कुरान में नहीं है, आप ढूंढते रहेंगे कुरान में है ही नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो शख्स ये कहेगा कि कुरान ने जिस चीज़ को हलाल किया है उसी को हलाल समझो, और कुरान ने जिसको हराम कहा है उसको हराम समझो, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ कि ये पालतू गधे का गोश्त और इसी तरह से किचली से शिकार करने वाला दरिंदा वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, लुक़ते के ताल्लुक से जो अहकाम हैं ये कहाँ तुम्हें कुरान में मिलेंगे, लेकिन ये भी तुम्हारे लिए हराम है, जायज़ नहीं है। और उसके बाद कहते हैं वमन नज़ला बिक़ौमिन फ़अलैहिम, और इसी तरह से अगर कोई शख्स किसी के पास जाए तो उन लोगों के ऊपर लाजिम है कि उनकी ज़ियाफ़त करें, फ़इन लम यक़रऊहु, और अगर ज़ियाफ़त नहीं करते हैं, फ़लहू अन युअक़िबहुम बिमिस्ल क़िराहु, तो उस मेहमान पर लाजिम है कि बक़दरे ज़ियाफ़त उनसे जुर्माना ले। अब ये चीज़ कहाँ मिलेगी?
हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खबर आई, क्या तुम्हें पहुंची? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खबर तो मौजूद है, लेकिन ये बातें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं कि मेज़बान का हक है कि वो मेहमानी करे, मेहमान नवाजी करे, और अगर नहीं करता है तो बतौर जुर्माने की वो वसूल कर सकता है मेहमान अपने मेज़बान से। अब ये चीज़ें कुरान में कहाँ मिलेंगी? तो अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही जो है कहने वाले कहेंगे कि बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह, हमारे और तुम्हारे दरमियान अगर कोई चीज़ फैसले की कोई चीज़ है तो सिर्फ किताबुल्लाह है, सिर्फ किताबुल्लाह। ये अहले कुरान कहते हैं फमा वजन्ना फी हलाल इस्तहललनाहु, तो जो चीज़ हम कुरान में हलाल पाएंगे उसी को हलाल समझेंगे, वमा वजन्ना फी हरामन हर्रमनाहु, और जो कुरान में हम हराम पाएंगे उसको हराम समझेंगे, वइन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हर्रमल्लाह। लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को हराम किया है उसकी हुरमत वैसे ही है जैसे कि अल्लाह ने किसी चीज़ को हराम किया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार कर देना और ये कहना कि खाली हम कुरान के ऊपर अमल करेंगे, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के बयान के लिए आए गए, तो जो कुछ अल्लाह के रसूल वसल्लम बयान फरमा रहे हैं वो कुरान ही की तफसीर है, अलग से कोई चीज़ नहीं बयान कर रहे, कुरान ही की तफसीर है, वो भी अहकाम शरीयत है। तो जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं वो तो हराम है ही, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को हराम किया है वो भी वैसे ही हराम है जैसे कि कुरान में हराम करदा चीज़ है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान कर दिया। इसी तरह से एक मौके पर हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम किसी सफ़र में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कई सारे लोग थे, गलबन खैबर जब अल्लाह के नबी वसल्लम गए थे, गज़वे खैबर का तस्करा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम जब खैबर में पहुँचे तो जो खैबर का सरदार था वो बड़ा शर्कस आदमी था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा या मोहम्मद अलकुम अन तज़बह उमरुना, ऐ मोहम्मद सल्लम क्या आपको ये ज़ेबा देता है कि आप हमारे जो है गधों को ज़ेबा करके खा लें, वो ताकुलु थमरना, और इसी तरह से हमारे बागात के फल आप जैसे चाहें इस्तेमाल करें, यह आपके लिए दुरुस्त है? वह तदरीबु निशाना, और हमारी औरतों को तुम कत्ल करें मारें, ये जायज़ है तुम्हारे लिए? शायद जो है हुआ ऐसा कि खैबर जब फतेह हुआ तो उस मौके पर हो सकता है कि कुछ सहाबा ने कहीं से फल वगैरह कुछ उठा लिया हो, ऐसा हो सकता है, तो उसने इस तरह का जुमला अल्लाह के नबी वसल्लम, तो आप वसल्लम बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और आपने कहा या इब्न औफ इरकब फरसक सुमाना, कहा कि इब्न औफ अपने सवारी पर सवार हो और चलो और लोगों को बुलाओ, अला इन्नल जन्नत अल्लाह तहिल्लु इल्ला लिल मोमिन, याद रखो कि अल्लाह ताला ने जन्नत सिर्फ मोमिनीन के लिए बनाई। और उसके बाद आपने कहा कि जा करके जितने भी लोग हैं सब में ऐलान करो कि नमाज के लिए आए, फजतमाउ लोग इकट्ठा हुए, फिर अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाया, फिर अल्लाह के नबी वसल्लम खड़े हुए और उसके बाद अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया अयहसबु अहदकुम मुत्तकियन अला रीकतिही, कि एक शख्स जो है टेक लगाए अपने गांव तकिए के ऊपर बैठा रहता है और कद यज़ुन्नु अन्नल्लाह लम युहर्रिम शैयन इल्ला माफी हादल कुरान, वो ये कहता है कि हराम जितनी भी चीज़ें हैं सब कुरान ही में बयान किया गया है, बस ऐसे ही समझता है। अला व इन्नी वल्लाही कद वअस्तु व अमरतु व नहैतु, और सुन लो अल्लाह की कसम मैंने तुमको बात चीज़ों की नसीहत की, तुम्हें बात चीज़ों का हुक्म दिया, तुम्हें बात चीज़ों से मैंने रोका, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इन्नहा लमसलुल कुरान, याद रखो वो भी हुरमत में कुरान जैसी,
जो बातें मैंने तुम्हें करने को कही, जिन बातों की मैंने नसीहत की और जिन बातों से रोका, वो भी कुरान जैसी ही हैं। जैसे कुरान पर अमल करना ज़रूरी है, वैसे हमारी बातों के ऊपर भी अमल करना, औ अक्सर कहते हैं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ, और याद रखो अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लिए हलाल नहीं किया है, أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ, कि तुम अहले किताब के घरों में बगैर उनकी इजाज़त के दाखिल हो, ये हलाल नहीं है। अभी कहाँ कुरान में मिलेगा। और वला ज़र्ब नसाइहिम, और ना ही उनकी औरतों को तुम मार सकते, कत्ल कर सकते। वला अकल सिमारहिम, और ना ही उनके फलों को तुम इस्तेमाल कर सकते। इज़ा अतौकुम अल्लज़ी अलैहिम, जब तक कि वो चीज़ें देते रहें जो उनके ऊपर वाजिब करा दिया गया। यानी हुआ यह था, खैबर फतेह हो गया था, तो ज़मीनें और बागात जो है वो यहूदियों की थी, तो अब फतेह हो गया तो मुसलमानों की हो गई। तो मसला ये हुआ कि अब इसका किया क्या जाए। अजाही सी बात है, किसी को यहाँ बिठाएं फिर उनसे खेती करवाएं, तो उससे बेहतर ये था कि भाई जिसकी जो ज़मीन है वो वही खेती करे, और जो है वो गल्ला जो भी हिसाब होगा वो एतबार से वो जो है इस्लामी हुकूमत को दे, ऐसा मसला था। तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि देखो वो उन्हीं की है, उनके अंडर में है, तो जब वो हुकूक अदा कर रहे हैं तो किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है कि उससे जायद वो मुतालबा करें। तो बताने का मकसूद है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान में नहीं मिलेंगी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो जैसे कुरान में हलाल करदा चीज़ें हमारे लिए हलाल, कुरान के हराम करदा चीज़ें हमारे लिए हराम, इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को हलाल किया है, जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया, जिन चीज़ों से रोका, बिल्कुल वैसे ही जो है अमल में वाजिब और ज़रूरी है जैसे कि कुरान के ऊपर अमल करना वाजिब है। इसी तरह से उस्मान बिन सईद अद्दारमी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि हमें कुरान दिया गया और कुरान के साथ साथ में सुन्नतें दी गई, गरचे वो सुन्नतें, वो तरीक़े, वो अहकामात कुरान में मौजूद ना हो, लेकिन वमा हिया इल्ला मुफसिरतन लिइरादतिल्लाह ताला, लेकिन याद रखो कि जो कुछ सुन्नतें हमको दी गई वो दरअसल कुरान ही की तफसीर है, वो कुरान ही की तफसीर है। इसी तरह से तीसरी और सबसे अहम बात वह ये कि असुन्नतो मिसलुल कुरान करीम, कि सुन्नत भी कुरान करीम के जैसा है अमल के, जैसे कि कुरान के ऊपर हमको अमल करना लाजिम है, ऐसे ही सुन्नत को भी, सुन्नत के ऊपर भी अमल करना, उसको कबूल करना लाजिम है, ज़रूरी है। अल्लाह ने कुरान में बहुत वाज़ेह तौर से कहा, मा आताकुम रसूलु फखुज़ू, रसूल जो कुछ तुम्हें दें वो ले लो, वमा नहाकुम अनहु, और जिस चीज़ से रसूल तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। वत्तकु अल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल अक़ाब, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। तो कुरान की आयत भी बता रही है कि कुरान में जो हुक्म है उस पर तो मानना ही, अमल करना ही है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों की तालीम दी है उसको भी मानना है, उसके ऊपर भी अमल करना है। इसी तरह से दूसरी आयत, वमन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, रसूल की बात मानी, उसने गोया कि अल्लाह की बात मानी, तो अल्लाह ताला ने अपनी इताअत को रसूल की इताअत से जोड़ दिया है। तो इससे भी पता चला कि सुन्नत कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि सुन्नत भी क्या है, वही की एक शक्ल है, और जैसे कुरान के ऊपर अमल करना ज़रूरी है ऐसे सुन्नत के ऊपर भी अमल करना ज़रूरी है। इसीलिए इस्माइल बिन सईद अल-कसाई एक बहुत बड़े फ़कीह हैं, 3वीं सदी हिजरी के हैं, रहमतुल्लाह, वो कहते हैं कि लोगों के ऊपर लाजिम है कि वो कुरान की इत्तबा करें, वला युखालिफूहू, और कुरान की मुखालफत न करें, इसलिए कि कुरान ही में अल्लाह ने फरमाया रसूल जो कुछ दें वो ले लो है? अब कहते हैं कि फ़ैनिहतज्जा मुहतज्जुन बिअन्ना फिस्सुनन मा युखालिफु तंज़ील, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो ये कहेंगे कि कुरान में तो एक हुक्म है और हदीस में एक दूसरा हुक्म है, तो सुन्नत जो है वो कुरान से टकरा रही है, ऐसा दिखाएंगे।
और कहेंगे कि बाज़ सुन्नतें बाज़ अहादीस तो कुरान के मुखालिफ हैं। तो कहते हैं कि उनसे ये कहा जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्नी उतीतुल कुरान व मिस्लहु माहु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया ना कि हमको कुरान दिया गया और कुरान जैसी एक और चीज़ दी गई। फकुल्लु सुन्नतिन सबतत अन रसूलिल्लाह, तो हर वो बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर से साबित हो जाए किसी भी कहने वाले के लिए जायज नहीं है कि वो ये कहे कि ये कुरान के खिलाफ है। जब कोई बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाए कि सही सनद से है, सही बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो भाई कुरान एक अलग किताब हो गई, अल्लाह की किताब है और इसी कुरान को की वजाहत और तफसीर करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और साथ साथ में नबी ने कहा कि हमको जैसे कुरान दिया गया ऐसी सुन्नत भी दी गई, तो अब तुम कुरान और सुन्नत को टकराते क्यों हो आपस में? वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो गई कि ये अल्लाह के नबी सल्लम का फरमान है तो किसी के लिए कहना दुरुस्त नहीं है कि ये कुरान से टकरा रहा है, इसलिए कि सुन्नत जो है वो कुरान की तफसीर है और सुन्नत भी वैसे ही हजरत जिब्रील अमीन लेकर के नाजिल होते हैं जैसे कि कुरान को लेकर के नाजिल होते थे, लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है कि सुन्नत से कुरान की मुखालफत होती है या सुन्नत जो है कुरान से टकराती है। हाँ, हो सकता है कि बाज़ मरतबा कुरान ही में अल्लाह ताला ने एक हुक्म नाजिल फरमाया, बाद में वो हुक्म मनसूख हो गया, तो ये जो नस्ख का मामला है कि एक हुक्म आने के बाद एक दूसरा हुक्म आता है, ठीक है। मसलन जैसे नमाज के ताल्लुक से शुरू में क्या कहा गया, वला तकरबुस सलाह वअंतुम सुकारा, जब तुम नशे में रहो तो नमाज ना पढ़ो, नमाज के करीब ना हो। इससे ये पता चला कि नमाज का अगर वक्त नहीं है और हमको मालूम है कि नमाज के वक्त तक हमारा नशा उतर जाएगा तो उससे पहले नशा कर सकते हैं, है ना। तो शराब की पहली ये हुरमत की आयतें, तो बतदरीज ये आयतें नाजिल हुई शराब की हुरमत की, ठीक है। तो अब कोई कहे कि हदीस में जो है शराब की हुरमत है और यहाँ जो है इस तरह का जुमला कहा गया है, तो कोई चीज़ एक हुक्म आ जाता दूसरा हुक्म उसके बाद आता, तो इसको कहते हैं नासिख मनसूख। बाद वाला जो हुक्म आता वो होता नासिख और जो पहले हुक्म आया वो हो गया क्या, मनसूख। मनसूख मतलब मिटा दिया गया। तो कभी कभी जो है नस्ख एक मुस्तकिल एक शोबा है, एक बाब है, एक फ़न है वो नासिख व मनसूख का इल्म और ज़रूरी है। वो होता ये था कि कभी कभार हुक्म और आयतें दोनों मिटा दी जाती थी। मसलन आप ये सुनते हैं ना कि रमज़ान में अल्लाह के नबी वसल्लम पर कुरान का दौर करवाया जाता था, हर रमज़ान में कुरान का दौर होता था। तो दौर क्यों करवाया जाता, दौर इसलिए करवाया जाता था कि जो अहकामात बदल जाते थे, तो जब हजरत जिब्रील अमीन आके दौर करवाते थे तो जो अहकाम बदल दिए गए उसको पढ़ते ही नहीं थे, तो कभी कभी हुक्म और आयतें दोनों मिटा दी गई, दोनों मिटा दी गई, वो कुरान से भी मिटा दी गई और आप सल्लम के कल्ब से भी मिटा दी गई। और कभी कभी आयत मौजूद है अभी तिलावत की जा रही है लेकिन उसका हुक्म ख़त्म हो गया, उसका हुक्म जो है ख़त्म हो गया। और कभी कभी एक हुक्म था लेकिन वो हुक्म बाकी है लेकिन उसकी आयत अभी बाकी नहीं है, अहादीस के ज़रिए से पता चलता है कि ये कुरान में आयत है, ठीक है। तो ये होता है नासिक मनसूख। तो जब भी कोई चीज़ हम देखेंगे कि कोई लेकर के एक हदीस लेकर के आया कुरान की एक आयत लेकर के कह रहा है ये टकरा रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि भाई सुन्नत है और ये कुरान है, तो जैसे कुरान नाजिल हुआ वैसे सुन्नत भी नाजिल हुई। अब उस पर अहले इल्म गौर करेंगे कि आया कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी कभी जो है कुरान जो है मनसूख हो जाता था कुरान की बाज़ आयतों से
اور کبھی کبھی قرآن منسوخ ہوتا ہے سنت کے ذریعے سے. قرآن میں ایک حکم ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اب ایسا نہیں، معاملہ ایسا رہے. تو وہ قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن حدیث میں موجود ہے کہ اس کو ایسا کرنا ہے. تو وہ آیت موجود ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ حکم منسوخ ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایسا حکم ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر جو حکم ہے وہ سنت کے ذریعے سے منسوخ ہو گئی ہو. یہ کب ہوگا؟ جب یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نہیں تو کوئی ضعیف موضوع من گھڑت روایت لے کر کے آئے گا اور پیش کرے گا، کہے گا کہ یہ جیسے کہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، یا سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یا کہا جاتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم دنیا ہی پیدا نہیں کرتے. سمجھ گئے نا؟ اب اس طرح کی چیزیں لائیں گے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ہم نے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو. اب انسانوں میں اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. قرآن یہ کہ اور احادیث جو گڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ وسلم کے جانب منسوب کی جاتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا. تو کوئی لے کر کے آئے گا کہے گا کہ نہیں، اب یہ حدیث نہیں مانیں گے یا قرآن نہیں مانیں گے، دونوں کو ٹکرائیں گے. تو سوال یہ ہے، سب سے پہلے ثابت تو کرو کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ وسلم سے ثابت ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے. کیونکہ ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹکراؤ بظاہر دکھتا ہے لیکن اس کی تطبیق ہوتی ہے، اس کے مفہوم کو واضح کیا جاتا ہے کہ بھائی دونوں کا مفہوم کیا ہے، تب جا کر کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ارے حقیقت تو ایک ہی ہے، کچھ الگ کوئی چیز نہیں بیان کی گئی. اس کو کہا جاتا ہے تطبیق، یعنی احادیثوں کے درمیان جو ہے تطبیق کرنا. کئی ساری کبھی کبھی احادیث، ایک احادیث دوسری احادیث کے درمیان ٹکراؤ بظاہر نظر آتا ہے، کبھی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے درمیان بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، کبھی قرآن کی بعض آیتیں اور احادیث کے درمیان بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن وہ حقیقتاً ٹکراؤ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جن کے دل جو ہے بیمار ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو سنت کا انکار ہی کرنا ہے، رد کرنا ہے، اس کی وقعت گھٹانی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بظاہر ٹکراؤ دکھاتے ہیں. ابھی بہت سارے شبہات آگے آئیں گے کہ جو اس طرح کے شبہات پیش کرتے ہیں وہ ساری چیزیں تفصیل آئیں گی. تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر وہ سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، کسی کہنے والے کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے، یہ سنت جو ہے قرآن کے مخالف ہے. تو آج جو ہے ہم اتنی چیزیں انشاءاللہ جانیں گے، آگے اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.